प्यारे दर्शकों, लैंड माइनिंग एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा रहा है और किन्निया सरकारां आईया किन्निया चलिया गई, लेकिन नाजायज़ खण की समस्या जड़ी है वह खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह बड़ा एक जटिल नैक्सस है जिसे सियासतदान भी शामिल ने, उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल ने और कई मंत्री भी शामिल ने, कई साबका विधायक भी शामिल ने, कई मौजूदा विधायक भी शामिल होंगे। हुण इस नाजायज़ जिहड़ी माइनिंग है इसनों रोकण वास्ते एक हैल्पलाइन जारी की गई है। आपनों याद होएगा कि पहला भ्रिष्टाचार खत्म करने वास्ते भी एक हैल्पलाइन जारी की सी। उस हैल्पलाइन के उपर कुल किन्नियां कालां आईयां, किन्नियां वीडियो कालां आईयां, किन्ने वीडियो के जरिए सबूत दिते गए, किन्नियां ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सबूत दिते गए, अजे तक इहदा कोई आंकड़ा मतलब सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात जाके कहा सीगा कि पंजाब दे विच 20 दिनां दे विच जिहड़े मुख्यमंत्री ने भगवंत मान इन्हों ने सारा मतलब भ्रिष्टाचार है जोड़ा खत्म करता, रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। जदों हिमाचल गए तो फिर उत्तर इन्होंने दिन थोड़े जे घटाते, उत्थे जाके कहते भी उत्थे 10 दिन खत्म करता। तो हुण हो गया कि हुण हैल्पलाइन है जिहड़ा उहदा कोई जिक्र ही नहीं हुंदा और कदें उहदे खबर नहीं आउंदी कि उस हैल्पलाइन के जरिए फलाने बंदे नूं फड़ लिया, एक अद्धा पटवारी फड़ लिया, कोई ASI फड़ लिया, किसी की जेब चो मतलब जिहड़ा ट्रैफिक मुलाजम है उहदी जेब चो 20 रुपये कढ ले जां 100 रुपये कढ लिया, आह कुछ होया। वड्डे मगरमच्छां दे संबंध में अजे तक कोई बयानबाजी सामने नहीं आई। और दूजे पासे देखो तुसीं, एक होर एक वीडियो वायरल हुई है जिहदे विच एक BDPO है जिहड़ा उह अपने दफ्तर दे विच एक बैड ते लेटिया आराम कर रिहा है, और वह समा वह है कि जदों उसनों अपनी कुर्सी पर होना चाहिए सी। उहदे संबंध में भी बड़ा हू हल्ला मचाया और उहदे खिलाफ़ भी कार्रवाई जिहड़ी है की जा रही है। पर सवाल यह है कि वह उत्थे एक लम्मा क्यों पिया सी, उहदी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि हर दफ्तर दे विच जिहड़ा वड्डा अफसर हुंदा है उहदी एक आरामगाह हुंदी है, उहदा एक आराम कमरा हुंदा जिथे वह जदों चाहे जे उन्होंने कोई किस्म की परेशानी है या काम का बोझ है उत्थे आराम कर सकता। इस तरह ही मुख्यमंत्री के दफ्तर के भी एक आरामगाह होंगी है, तो वो की मतलब भुचाल आ गया कि वो बेचारा लम्मा पिया, उसनों कोई बीमारी हो सकती है, उसनों कोई बेचैनी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, पूछने की तो नौबत ही नहीं आई, बल्कि वो खिलाफ़ कार्रवाई शुरू करती तो इवें दसता कि जी बदलाव आ गया। ये बदलाव है, इस तो वड्डा शदा का कोई है नहीं गा। और दूसरी गल यह है कि बदलाव के जिहड़े तुसीं डंके पहला वजाउंदे रहे हो, अरविंद केजरीवाल कहिंदा सीगा कि जिद्दण साडी सरकार बनी मार्च के महीने के विच उस तो बाद कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, पर एक महीने के विच कल दी एक खुदकुशी पा के किसान दी जिन्हें कि अपने आप नूं गोली मारी है, कुल गिणती 24 हो गई है। और यह अरविंद केजरीवाल जी अजे तक बौड़े नहीं और ना ही उन्होंने अफसोस का कोई शब्द जिहड़ा वह बोलिया, मुआवजा देना तो बहुत दूर की गल। लेकिन दूजे पासे जिहड़े राजा बड़िंग ने या नवजोत सिद्धू ने, नवजोत सिद्धू साबका पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने और वो मौजूदा प्रधान ने बड़िंग साहब, इन्होंने मुतासरा परिवार ने जिहड़े उन्होंने कोले जाके अफसोस जाहिर किया। पर हुण सवाल यह भी है कि यह भी ड्रामेबाजी है, उधर तो आम आदमी पार्टी की हुक्मरान सरकार जिहड़ी ड्रामेबाजी कर रही है, इधर इन्होंने ड्रामेबाजी ते लक बन लिया। जदों 5 साल कांग्रेस की सरकार रही उदों ये विधायक भी सन, उदों ये बोले तक नहीं गए, उदों इन्हों कदे किसान याद नहीं आए, उदों इन्हों किसानां दी खुदकुशियां याद नहीं आईयां, उदों इन्हों ये नहीं पता लग्या कि मुआवजा देना कि नहीं देना। हुण ये चौथे दिन अफसोस करन चले जांदे ने, फिर सुक्का अफसोस ही करदे ने। या तो यह हैगा कि जे ये गए ने बतौर प्रधान कांग्रेस कमेटी दे तो कांग्रेस कमेटी कोल भी फंड हैगे ने, और वो जे गए ने तो उत्थे घट्टो घट किसी नूं 2-4 लाख दे आउंदे, बहुतिआं नूं नहीं तां कदे नूं दे आउंदे। इवें जिहड़े ने नवजोत सिद्धू वो नाटक कर रहे हैं, वो गए ने जी हाँ बड़ा अफसोस है जी सानू आ करता वो किया, तो असी जो साड़ी सरकार बनी, सरकार तो तुहाडी हुण बननी नहीं गई क्योंकि तुसी इकट्ठे हो नहीं सकते। जिथे राजा बड़िंग जांदा वो कहिंदा कि इत्थे असी जिहड़ा समागम किया यह असी किसी नूं दस्या नहीं गा, इस करके मतलब बहुत सारे आगू नहीं पहुँच सके। जे इहने धरना लाया नवजोत सिंह सिद्धू ने एक थर्मल प्लांट के मूहरे, तो उत्थे ये कहता कि असी किसी नूं दस्या नहीं, जिहड़ा उत्थों दा आगू है जिन्हें यह सारा कुछ आयोजित किया। तो गल यह है कि वारी वारी ये मतलब कहा जा रहा कि साढ़े च पूर्ण एकता, तो ये एक शब्द ही काफ़ी है दसन वास्ते कि बिल्कुल कोई एकता नहीं, क्योंकि कहण की लोड़ ही क्यों पैंदी है। प्यारे दर्शकों, कांग्रेस का बुरा हाल है, अकालियां का बुरा हाल है, तो नाल दी नाल हुकमरान पार्टी का उदू माड़ा हाल हो रहा है। तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल TV के YouTube चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। धन्यवाद।